हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा MI 11X 5G फ़ोन है, तो MI 11X 5G फ़ोन में जो हमारा टैप साउंड है, तो टैप साउंड को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने MI 11X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स तरीके से ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो जो हमारी फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में टैप साउंड है, तो टैप साउंड को कैसे ऑन ऑफ करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है टैप साउंड। तो हमने सर्च करा टैप साउंड, तो हमारा जो टैप साउंड है हमारा शो हो जाएगा थोड़ी देर में। आप देखते हैं कि शो हो गया है, ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से अपने फ़ोन का जो टैप साउंड है इसको ऑन कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को टैप करते हैं इस तरीके से, उसमें जो साउंड है शो करेगा। उसको ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप टैप साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर MI 11X फ़ोन में, 5G फ़ोन में। और साथ में ही जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है टैप साउंड सेटिंग का, सिंपल आप फ़ोन की साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग पे जाकर भी टैप साउंड को सेट कर सकते हैं। सिंपली हमारी सेटिंग शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन पे। क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर आपको जाना होगा इसमें से एडिशनल सेटिंग पे। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन की एडिशनल सेटिंग भी ओपन हो जाएगी, जहाँ से हमारे पर टैप साउंड ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से टैप साउंड को आप ऑन कर सकते हैं। जिससे आप किसी भी अपनी फ़ोन की स्क्रीन को टैप करते हैं तो जिसमें साउंड है शो करेगा। और साथ में जैसे आप उसको ऑफ़ कर देंगे, तो जो हमारे फ़ोन में टैप साउंड है ऑफ हो चुका है। जैसे आप किसी भी चीज़ को टैप करते हैं तो उसमें साउंड वगैरह शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप टैप साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने MI 11X 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।